मनोमलम् राजोवाच यथा संधार्थे ब्राह्मण धारणा यत्र संबता यद्दसि वा हरे दाशो पुरुषस्य मनोमलम् राजोवाच यथा संधार्थे ब्राह्मण धारणा यत्र संबता यादसि वा हरे दासो पुरस्य मनोमलम् राजोवाच यथा संधार्ते ब्राह्मण धारणा यत्र संबता यादसि वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम् यथा संधार्यते ब्रह्म राजोवाच राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्म धारणा यत्र संमता यादसि वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम् राजोवाच यथा संधार्थे ब्राह्मण धारणा यत्र संमता यादसि वा हरि दासो पुरुषस्य मनोमलम् यथा संधार राजोवाच राजोवाच यथा संधार्थे ब्राह्मण धारणा यत्र संबता यादसि वा हरि दासो पुरुषस्य मनोमलम् राजोवाच यथा संधार्ते ब्राह्मण धारणा यत्र संबता यादसि वा हरि दासो पुरुषस्य मनोबलम् शब्दार्थ राजा उवाच सौभाग्यशाली राजा ने कहा यथा जिस प्रकार संधार्थे धारणा बनाई जाती है ब्राह्मण हे ब्राह्मण धारणा धारणा यत्र जहां तथा जैसे सम्मता संक्षेप में यादृशी जैसी वा अथवा हरेत समूल नष्ट करता है आसु विलंब किए बिना पुरुषस्य व्यक्ति के मनहा मन के मलम मल को अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अवैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की तो अनुवाद
पढ़ रहे हैं तो पीछे पीछे दोहरा भी सकते हैं। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने, सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे कहा, आगे पूछा, हे ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से यह बताइए कि मन को कहां और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जाए। तो तात्पर्य इसे हम सुन सकते हैं, वध जीव के हृदय की समस्त मलिनता की उनके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा रहता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपनी दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित विकार को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय के विकार के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांध रखती हैं। सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्धि ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करने से दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री भगवान अपनी अचिन शक्तियों द्वारा अपना साधिग्न प्रदान कर सकते हैं। अतएव जो लोग परम के आकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें श्री भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष रूप का आसंद प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री भगवान का विराट निर्विशेष रूप उनकी महिमा शक्ति का रूप है। चूंकि शक्तिमान और शक्ति अभिन्न हैं, अतएव उनके विराट रूप की निर्विशेष धारणा भी वध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का साधिन प्राप्त करने में सहायक होती है और इस तरह क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, अतएव उन्होंने श्री रूप गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं की कि मन को कहां और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की जो श्री भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों की श्री भगवान के शाश्वतता ज्ञान आनंद से परिपूर्ण विग्रह के रूप में समझने के लिए समर्थ नहीं हैं। अभक्त वर्ग के लोग श्री भगवान के साकार रूप के विषय में सोच नहीं सकते, उनके अल्प ज्ञान के कारण श्री राम श्री कृष्ण जैसे साकार रूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी हैं। उन्हें श्री भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में स्वयं श्री भगवान ने यह बतलाया है कि अल्पज्ञ लोग
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की, श्री श्री गौ निताय की, शिल्पपात की। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की अचिंत शक्तियों से अभिन्न होते हैं। श्री भगवान अपनी अचिंत शक्तियों से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से बिल्कुल हटे बिना वहीं सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो श्री भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को श्री भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने उसका निम्नवत विस्तार से उत्तर दिया। ओम अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर मिलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परजनशयतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोऽस्तु ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनेति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशादेश तारणे। हरे कृष्णा। तो अगेन दोबारा से आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो तात्पर्य में रूपा जी बता रहे हैं कि बद्ध जीव के हृदय की समस्त मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। तो बद्ध जीव कौन है? मैं बद्ध जीव हूँ, है ना। तो किसके हृदय में मलिनता है? मेरे हृदय में। तो ये मलिनता आती कहाँ से है? सोचो, एक बच्चे ने जन्म लिया, है ना, और वो 3 साल का हुआ है, देखेंगे तो उसका हृदय भी मलिन होता है। तो वो कहाँ से आई मलिनता? देख के सुन के। बहुत अच्छा बताया। और पूर्वजन्म का। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं हमारे चेतना के साथ में 3 चीजें चलती हैं, मन बुद्धि और अहंकार। तो मन के साथ क्या आती है? मलिनता आती है। तो मलिनता कोई ऐसा तो है नहीं एक दिन में इकट्ठी हो रही है। क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा कितने जन्म हुए? तो हमारा मन कितने जन्म? यस मुझे 83 जन्म हो गए आपके। हाँ यस। तो
हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हमें कितना है ना, कितने योनियों में हम भटकते हुए आ रहे हैं और कितने ग्रहों पर हम जन्म लेके आए हैं। ये पृथ्वी पे जन्म नहीं लिया है, है ना। बार बार योनियां बदल रहे हैं, है? बार बार हम देहांतर कर रहे हैं और मन हमारे साथ में क्या है, वही फिक्स है ना। मन तो नहीं बदल रहा, मन तो हमारा वही है। तो मन क्या कर रहा है, जो मलिनता है उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है पूरा। हर जन्म में कुछ ना कुछ है ना गंदगी को उठा के बैठ जाता है। तो यहां बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, है ना, समस्त मलिनता ही उनके सारे कष्टों की जड़ है। तो जो हमारा ये मन इकट्ठे किया है इस मल को, ये क्या है, हमारी कष्टों का जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा रहता है, है ना। तो भौतिक अस्तित्व के कौन से, तो भौतिक अस्तित्व, तो इसका मतलब भौतिक अस्तित्व हुआ है तो दूसरा भी अस्तित्व होगा। दूसरा कौन सा अस्तित्व हो सकता है, आध्यात्मिक अस्तित्व भी हो सकता है, परंतु हमारा मन किससे घिरा हुआ है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। कैसे जीव हैं, बद्ध, मैं क्या हूं, बद्ध जीव हूं, इसलिए भौतिक अस्तित्व के, है ना, अनेक कष्टों से घिरा हुआ है। तो किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय के संचित विकारों को दूर करने में असमर्थ रहता है। तो हमारे अंदर जो मल भरा हुआ है तो हम उसको दूर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम मन की सुनते हैं, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का शायद कोई एक है ना, बोलते हैं ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, महाराज बोलते हैं कि सुबह उठ के मन को 100 जूतों से मारना चाहिए और रात को सोते समय सुबह में झाड़ू से और रात को जूतों से। सही बताया आपने, है ना। तो मतलब क्या है, इस भौतिक जगत में है बहुत अज्ञानता के कारण, है ना। तो अज्ञानता क्या है, हम कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण को नहीं समझते, कृष्ण के बारे में नहीं सुनते, यही अज्ञानता है, है ना। तो क्या है, अज्ञानता के कारण इस भौतिक जगत में दीर्घ बंदी जीवन में की अवधि में हृदय में संचित विकारों को दूर करने में असमर्थ है। तो यानी कि हम कृष्ण के बारे में नहीं जानते, इसलिए यहां बता रहे हैं क्या, जो हमारे मन में जो विकार है उनको हम दूर नहीं कर पा रहे। तो यहां पर इलाज भी बता दिया, क्या इलाज है, कृष्ण के बारे में सुनना, यानी हमें ज्ञान रूप में आना पड़ेगा। वास्तव में परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है। तो हम यहां पे क्यों आए हैं, एक्चुअली हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, मेढक की तरह टर टर करना, यही उद्देश्य है ना हमारा। क्या उद्देश्य है, उद्देश्य बता रहे हैं, वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने में निमित्त आया है। तो भगवान की सेवा करने के लिए आया है यहां पे, है ना। मगर कर क्या रहा है, किंतु हृदय के विकार के कारण वह अपने मनोकल्पित इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। तो मनोकल्पित इच्छाएं, यानी कि सीधा सीधा इंद्रिय तृप्ति के बारे में सीधा बता रहे हैं यहां पे। हमारा मन क्या करने लगता है, इंद्रिय तृप्ति, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, है ना, आइटम खाना चाहेगा, है ना, गोल गप्पे, है ना, यहाँ की कोई प्रसिद्ध चाट वाट है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे बांके बिहारी पे ना आलू टिक्की मिलती है बहुत बढ़िया, और लोग बांके बिहारी भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, क्या खाने जाते हैं, आलू टिक्की खाने जाते हैं वहाँ पे, है ना।
तो क्या है, मनोकल्पित इच्छा पूर्ति का चाहता है ना। उद्देश्य क्या है, मंदिर में जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आलू टिक्की खाना है ना, प्रभु जी प्रसाद अच्छा नहीं बनना, वही खिचड़ी बन रही है आज तो, क्या प्रभु जी हर खिचड़ी खिचड़ी खाकर पक गए हम, कुछ ऑपुलेंट तो होना ही चाहिए। ये क्या है, हमने खिचड़ी खाने आए, मतलब ऑपुलेंट खाने आए हैं, उद्देश्य भूल गए। क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करना, ये उद्देश्य है। पर कर क्या रहे, मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती हैं और इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्र में बहान देती हैं। तो वही है, हम जब इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो क्या क्या करेंगे, है ना, भगवान की तो भक्ति करेंगे नहीं, भगवान की सेवा करेंगे नहीं, बोल देंगे भैया बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है कर लो, कर ना ना भैया हम ना करेंगे, क्योंकि मन है ना, मन क्या करेगा, मन कहाँ ले जाएगा, बता रहे ना, मन में क्या है, मल भरा हुआ है, इसलिए जो अथॉरिटी बता रही है वो नहीं करेगा, क्या बोलेगा, मन के दो कार्य हैं, संकल्प और विकल्प, है ना। अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, आपको किचन में सेवा करनी है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाऊंगा। जिसको बोला जाए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है, उसको बोलेगा कहाँ भेज रहे हो, किचन ही दे दो हमें तो, बर्तन साफ कर लूंगा। ये क्या है, मन का कार्य है, संकल्प और विकल्प, यानी कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसमें हम टिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन में क्या भरा हुआ है, मल, है ना। ये मल कैसे दूर होगा कल बताएंगे प्रभु जी, है ना, क्यों अगले श्लोक के माध्यम से। आज हम ये मन में क्या क्या है, क्या क्या समस्या है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो नई नई समस्याएं उत्पन्न कर देता है, कैसी नई नई समस्याएं आएंगी, है ना, क्योंकि हमारा जो मन है वो इंद्र भोग करना चाहता है, तो प्रजल्पा में लगा रहेगा, क्या करेगा मन, प्रजल्पा करेगा। प्रजल्पा करने के कौन कौन से तरीके हैं, क्योंकि मन में तो महल है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना, जैसे क्या है, मोबाइल उठाएगा और वो देखेगा, अरे भगवान के फोटो ही तो देख रहे हैं हम, ये क्या है, तो अच्छा कार्य है ना। वास्तव में ईमानदारी से कितनी देर फोटो देख पाते हैं हम, और फोटो में वास्तव में क्या देख रहे होते हैं, है ना। अगर आप वास्तव में अगर भगवान का पर्दा भी बंद कर दिया जाए तो ये नहीं बता पाएंगे हम में से, मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कि भगवान ने ड्रेस कौन सी पहनी है। तो वास्तव में भगवान का फोटो देख रहे हैं हम, फोटो देखना तो बहाना है, बाकी के दो चार स्लेटों का स्लाइड करने के बाद हमारी उंगली कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। और भगवान का फोटो देखेंगे सेकंड, मतलब ऐसे देखा फटाक से हटा देंगे, कुछ और चीज आ जाएंगी तो उसमें हम आराम से पूरा ऑब्जर्व करेंगे उसे, क्यों, मन के अंदर क्या है, हमारे महल। तो ये इससे हमारी नई नई समस्याएं पैदा करता है, प्रजल्पा में फंसा देगा, है ना। प्रजल्पा के और भी तरीके हैं, है ना, क्या क्या तरीके हैं, हम लगते हैं कि हम वैष्णवों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और धीमे धीमे हम अपराधों पे आ जाएंगे, हम उसके दोषों पे, नहीं नहीं प्रभु जी हम तो डिस्कस ही तो कर रहे हैं, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, हम सच्ची बात बता रहे हैं, है ना। वो देखो दो भक्त है ना, आपस में लड़े थे, उन्होंने खून तक निकाल लिया था, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भैया, तुम भी तो वही काम कर रहे हो, वो शारीरिक लड़े थे तब मानसिक लड़ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम मन से लड़ रहे हैं। तो ऐसी नई नई समस्याएं उत्पन्न कर देगा जिससे क्या है, हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे, क्योंकि हम अभी तक क्या करते आए हैं, अगर हम इस पृथ्वी पर हैं तो हम अब तक जन्म मृत्यु के चक्र में ही हैं, तभी यहां पर हैं, नहीं तो हम यहां नहीं होते, कहां होते, भगवान के धाम में होते, है ना। तो सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्धि ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति से दूर करता है। तो जब हम
मन के मल की बातों को सुनने लगते हैं तो हम भगवान की संगति से दूर हो जाते हैं। तो एक लेक्चर सुन रहा था, वहाँ बता रहे थे हमें 24 आवर्स क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवान के गुणों की व्याख्या करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं, यानी प्रजल्पाई है एक तरह से। तो ये क्या वास्तव में आसान है 24 घंटे भगवान का नाम लेना? जब हम मन की सुन ले रखते हैं तो क्या होता है, मन क्या करता है, हमें भगवान से, भगवान के संग से, भगवान के एसोसिएशन से दूर कर देता है। तो सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत शक्तियों द्वारा अपना साधन प्रदान करते हैं। अतएव जो लोग परम, तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपनी अचिंत शक्तियों के माध्यम से, अचिंत शक्ति कैसे है भगवान की, है ना, या लास्ट में भी भगवान ने बताया, इसमें प्रभुपाद ने आखिरी पैराग्राफ में भी बताया अचिंत शक्तियों के बारे में। ठीक है, अचिंत शक्ति कैसी है, क्योंकि भगवान ने क्या किया है, भगवान ने कई रूप रखे हैं, है ना, एक तो डायरेक्ट आते हैं जैसे श्री राम के रूप में आते हैं, कृष्ण जैसे साकार रूप में आते हैं, है ना, और किस रूपों में आते हैं, विग्रह रूप में आते हैं, यानी कि हमारे सामने श्री श्री वृंदावन चंद्र साक्षात बैठे हुए हैं। क्या वास्तव में हमारी दृष्टि में हम देख पाते हैं तो साक्षात बैठे हैं, क्योंकि हमारा मन कैसा है, मलिन है, है ना, मैल भरा पड़ा है, इस वजह से हम भगवान को देख नहीं पाते। तो भगवान हम लोगों के लिए क्या करते हैं, और थोड़ा सा अपने आप को विस्तारित किए हुए हैं, कहाँ पे, विराट रूप में, है ना, हर जगह भगवान है, कण कण में क्या है, भगवान है। तो हमें उस रूप में भी देख सकते हैं, जो भगवान को साकार रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो उनके लिए क्या किया गया, विराट रूप भगवान ने दिया गया है, जिससे क्या है, जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, वो भी भगवान को कहीं ना कहीं कैसे भी देख लें, इसलिए भगवान ने विराट रूप भी दिया है, है ना। अब मगर जो वैष्णव होता है वो साकार रूप देखता है कि निराकार रूप देखता है, नहीं दोनों देखता है, वो कण कण में भी भगवान को देखता है और भगवान के साकार रूप को भी जानता है। मैं पूछता किसको है, वो साकार रूप को पूछता है। मैं नॉलेज किसकी है, नॉलेज दोनों की है उसको, ऐसा नहीं एक की नॉलेज है, है ना, इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बहुत चतुर, है ना। अतएव विराट रूप की निर्विशेष धारणा बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की साधना प्राप्त करने में सहायता करती है। तो जो निर्विशेषवादी हैं उनको भी भगवान का क्या मिलता है, सानिग्ध्य मिलता है, है ना, तो भगवान की कृपा उनको भी मिल सकती है। तो भगवान कितने दयालु हैं, है ना, दोनों रूपों में, साकार रूप में तो दे ही रहे हैं, निराकार रूप में भी दे रहे हैं। अतः इसी तरह क्रम से साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो वो धीमे धीमे जब वो निराकार रूप को समझने लगेगा तो उसका फिर रुचि धीमे धीमे साकार रूप में बढ़ने लगेगी। तो एक लेक्चर सुनना था तो उस लेक्चर में एक महाराज बता रहे थे, वो कहीं बैठे थे दुबई में, कहाँ बैठे थे, दुबई में बैठे थे, और वहाँ पर एक मुस्लिम उससे मिला, है ना, तो उन्होंने अपने पास बिठा लिया। तो बोलते हैं आप तो मूर्तियों की पूजा करते हो, महाराज से पूछने लगे। तो महाराज बोले नहीं नहीं, वो बोले पत्थर की पूजा करते हो आप तो। महाराज बोले नहीं हम पत्थर की पूजा नहीं करते। बोले नहीं नहीं हमने तो देखा है भारत में आप पत्थरों की पूजा करते हो। बोले नहीं हम पत्थर पर पैर रखते हैं। महाराज तो पत्थर पर पैर रखे हुए थे, मतलब नीचे टाइल्स बिछी हुई थी ना, पत्थर है ना वो, तो हम पत्थरों पर क्या, महाराज बोले क्या, बोले पत्थरों पर हम पैर रखते हैं, है ना। तो बोले महाराज ने पूछा कि आप भी तो, है ना, ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हो। बोले कैसे, हम तो नहीं करते। बोले हम तो एक बंद कमरे में एक दीवाल के सामने करते हैं। तो बोलो दीवाल प्रॉपर कहाँ करते हो। बोले एक दीवाल के सामने तो करते हैं। तो दीवाल को मान लिया ना आपने,
हो भी क्या है, कोई ना कुछ मान लिया ना आपने, वो मान लिया वो क्या है एक तरह से, है ना, वो क्या चीज है एक तरह से, तुम साकार की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब बताने का उद्देश्य है कि निराकार से भी धीमे धीमे साकार की तरफ बढ़ा जा सकता है ना। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, अतएव उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। तो परीक्षित महाराज तो पहले से मालूम था, मगर कि किसके लिए पूछ रहे हैं, मेरे लिए पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं, मेरे लिए। मन को कहां और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, है ना। तो जो लोग साकारवादी नहीं है तो वो अपने मन को कहां लगाएंगे, वो भी निराकार जो रूप है भगवान का, उसके ना जो कुछ चीजें हैं कड़कड़ हैं उनमें भी भगवान के लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, कोई बताना चाहेंगे, निराकार रूप में मन को कैसे लगाया जा सकता है जिसमें भगवान का अस्तित्व हो। हाँ ये तो हो गया आध्यात्मिक एग्जाम्पल, कोई भौतिक एग्जाम्पल, फोटो होता है ना, हाँ हमारे पेरेंट्स का, हाँ जैसे फ्लैग होता है, तो ऐसे ही एक में उदाहरण दिया गया था, एक फोटो है, मान लो हमारे दादा का फोटो है, तो कैसा है वो, साकार है कि निराकार है, हम बोले उस पर थूक दो, कोई थूकेगा, क्यों, वो है तो है नहीं भगवान पे, दादा तो नहीं है ना। तो क्या था? ऐसे ही हम लोग भी धीमे धीमे, जैसे भगवान की ही शक्तियां हैं, जैसे नदी, नदी किसकी शक्ति है, भगवान के, भगवान के विराट रूप का अंग है वो, हम क्या बोलते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, तो हम उसको पूजने लगते हैं, धीमे धीमे पूजने लगते हैं। तो भगवान के साकार शक्तियों का ये क्या एक पार्ट है, तो धीमे धीमे हम उनको पूजने लगते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, साकार मानने लगते हैं, है? तो ये फिलॉसफी हमारे अंदर फिर डेवलप होने लगती है कि हम प्रति चीज को साकार मानने लगे। तो इस तरह से यहां बताया जा रहा है, किंतु उनका, उन्होंने इन सबको लाभ के लिए विषय विषय जिज्ञासा की, भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को श्री भगवान के विश्वास ज्ञान व आनंद से परिपूर्ण विग्रह के रूप में समझने के लिए समर्थ नहीं है। जो भगवान का जो विग्रह है ना, बता रहे हैं आप, जो संपूर्ण विग्रह है ना, शाश्वत ज्ञान और आनंद से भरपूर, यानी सत्य चित्त आनंद से भरपूर जो पूर्ण संपूर्ण विग्रह है, उनको वो समझ नहीं पाते। तो श्री वृंदावन चंद्र वो कैसे हैं, सत्य चित्त और आनंद में है यहाँ पे, है, तभी हमें उनको देख के क्या आता है, हम कभी उनको प्यार से प्रेम से देखेंगे तो हमारे अंदर प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा, है ना, हम सतो, है ना, हमारे अंदर सतोगुण अपने आप आ देंगे, है ना, केवल वृंदावन चंद्र को देखने मात्र से हमारे अंदर सतोगुण अपने आप आएंगे, है ना, आनंद भी आएगा उनको देखने से, आता है आनंद, है ना। तो यहां बता रहे हैं, अभक्त वर्ग के लोग भगवान के साकार रूप के विषय में सोच नहीं सकते। तो अभक्त वर्ग जो होता है वो भगवान के साकार रूप के नहीं सोच सकता, क्यों, उनका अल्प ज्ञान के कारण श्री राम श्री कृष्ण जैसे साकार रूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी हैं। तो बहुत सारे हमने देखे होंगे, है ना, बहुत सारे समाज हैं, है ना, बहुत सारे समाज हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हम मानते तो हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ये महापुरुष थे, कैसे थे, ये महापुरुष थे, इन्होंने एक आइडियल खड़ा किया है समाज को। वास्तव में पूछते तो हैं वो, मैं किस रूप में पूछते हैं, महापुरुष के रूप में पूछते हैं वो, भगवान के रूप में नहीं पूछते, है ना। तो कभी कभी हमें पूछ लेना चाहिए, भैया एक ऐसा महापुरुष दिखा दो जो उल्टे हाथ की, है ना, सबसे छोटी वाली फिंगर पे, है ना, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा दे, तो हमें ढूंढ लेना चाहिए ऐसे ऐसे, है ना, अल्पज्ञानी लोगों से पूछ लेना चाहिए कभी कभी, शायद उनका ज्ञान जगने में हेल्प हो जाए इस चीज से। तो श्रीमद् भगवद गीता में 9.11 में भगवान ने स्वयं बताया है, अल्पज्ञ लोग
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। तो अभी बताएं, जो अल्पज्ञ लोग होते हैं भगवान का कैसे करते हैं, उपहास कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं मैं भी भगवान और तुम भी भगवान, सबको भगवान मानने लगते हैं, है ना। इसमें एक एग्जाम्पल आता है, ऐसे एक पत्नी है तो वो सबको पति मान सकती है क्या, तुम भी पति, तुम भी पति, तुम भी पति, सब पति। अब मान लो किसी उस माता ने, उस महिला ने सबको पति मान लिया, तो उसका कैसा कल्चर रहेगा, कैसा नेचर रहेगा। ऐसे ही यहां बताया जा रहा है ना, हमारे भगवान एक हैं। कौन है भगवान, कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब कौन है, उनके ही अंश हैं, जीव हैं। तो यहां बता रहे हैं भगवान अपनी अचिंत शक्तियों से मानव समाज और जीव के अन्य समाज में विचरण करते हुए दिव्य पद से बिल्कुल हटे बिना सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। तो एक्चुअली भगवान रहते कहां पर है, ना भगवान रहते हैं अपने धाम में। कौन सा धाम है उनका, गोलोक वृंदावन धाम। तो भगवान ऐसा बताते हैं कि भगवान कभी भी अपने धाम से जाते नहीं है, वो हमेशा वहीं रहते हैं, है ना। मगर वो विस्तार करते हैं, है ना, क्या करते हैं, वो विस्तार कर लेते हैं फिर अपना, है ना। कैसे विस्तार करते हैं और किसके लिए विस्तार करते हैं, हम जैसे वध जीवों के लिए विस्तार करते हैं, है ना। तो अचिंत शक्तियों के कारण, तो अचिंत शक्ति कैसे हैं, भगवान की जितनी भी इंद्रियां हैं वो कुछ भी कार्य कर सकती हैं। जैसे भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, है? नाक से आपको पकड़ सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, है ना, पैरों से देख सकते हैं। ऐसी अचिंत शक्तियों के कारण, है ना, भगवान क्या कहते हैं, अपना पूरा विस्तार कर लेते हैं। और पूरा विस्तार में जाएंगे तो हम बताते हैं कण कण में भी भगवान है। तो वह अपना विस्तार कैसे करते हैं, महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में कण कण में विद्यमान हो जाते हैं, है ना। तो यहां बताया जा रहा है व्यक्ति के लाभ के लिए जो श्री भगवान के साकार दिव्य रूप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, है ना, तो मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, है ना, तो इस पर चर्चा होगी कल। जो अगला श्लोक आएगा 23, इसमें बता रहे हैं, है ना, सुखदेव गोस्वामी जी। तो हमें अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और समय पूरा भी हो गया है। प्रभु जी थोड़ा सा इस पर और मार्गदर्शन दे सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई टीका टिप्पणी है तो बताई जा